झज्जर पुलिस ने ऐसे दो शातिरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जिन्होंने फर्जी फर्में खोलकर जीएसटी में लाखों रुपए का घोटाला किया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश लोकल जी के कुशल नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए कल दिनांक 11/2/2021 को एएसआई तेम सिंह अपनी टीम के साथ बस स्टैंड बाधवगढ़ में मौजूद था कि उनको सूचना मिली कि वे दो लड़के जिनमें से एक लड़का मोहित है बाधवगढ़ लालचंद कॉलोनी का रहने वाला है जो कि फर्जी खाते खुलवाकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जीएसटी की फर्जी कंपनियां बनाता है और इनमें काफ़ी पैसे का लेन देन करता है जिस कारण जिस पर कार्रवाई करते हुए एएसआई तेम सिंह ने वहाँ पर नाकाबंदी की। मुखबर की सूचना पर उसको काबू किया, मोहित को काबू किया। काबू करने के बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 4 वोटर कार्ड, 4 पैन कार्ड, 4 चेक बुक जो कि फर्जी बरामद हुई। उससे पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा एक साथी सोहन वासी अलीपुर भी इस काम में इन्वॉल्व है। जो इनसे फिर पूछताछ की गई दोनों कुछ देर बाद जो सोहन सिंह भी वहां पर आ गया, दोनों से पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद ये सिर्फ बात सामने आई कि इन्होंने 3 कंपनियां खोली हैं, आरएस इंटरप्राइजेस, ओम सेल्स और बालाजी ट्रेडर्स। ये 3 कंपनियां फर्जी कंपनी इन्होंने सेल कंपनियां बनाई हैं जीएसटी की और 4 अकाउंट्स हैं इनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो सुरेश कुमार, संदीप कुमार, सूरज कुमार और नवीन कुमार के नाम से। जो इनकी तलाशी के दौरान 4 वोटर कार्ड, 4 पैन कार्ड और 4 चेक बुक तो इससे मोहित से बरामद हुई है और जो सोहन नेगी से 2 पैन कार्ड, 2 वोटर कार्ड उसी के नाम से बनाए हुए थे जो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के थे और अलग अलग पैन कार्ड के नंबर के थे। इनसे ये चीज़ें बरामद की गई है। जो इन्होंने पैन जो जीएसटी कंपनी थी ये इन कंपनियों से ये अलग अलग लोगों के बिल काटते थे, बिल काट के करोड़ों रुपए के बिल काटते थे, उसमें लाखों रुपए का पैसे का सरकार का गबन करते थे। इनसे अभी हमने पूछताछ हमसे जारी है और इनसे एक तो जो मोहित से लैपटॉप, फर्जी बिल बुक और किन किन लोगों के इन्होंने बिल काटे थे वो पूछताछ की जा रही है। सर किसी के संगठन में था ये बैंक वालों का जो थोड़ा डाउट लग रहा है बैंक के ऊपर तो बैंक की जो इसने जो बैंक अकाउंट खोले हैं वो बैंक अकाउंट खोलते समय वो आइडेंटिफाई भी खुद को खुद ही किया है, दूसरे किसी और आदमी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, जबकि बैंक में अकाउंट खोलते समय दूसरा आइडेंटिफाई होता है, विटनेस ही होता है। इन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई करके बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं और सोहन ने की है जो उससे अपने प्रिंटर और कंप्यूटर जिनसे ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे वो बरामद किए जाए और इनके साथ कुछ किसके और इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में पूछताछ। कितने रुपए का घोटाला लग रहा है इसमें? करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है जिसमें लाखों रुपए का जीएसटी की चोरी हुई संदेह है।